बात करने का कौशल्य डेवलप करो, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं और महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। काफी लोग ऐसा बोलते हैं, बच्चे ज्यादातर आते हैं मेरे पास में और बोलते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, मेरा प्रेजेंटेशन बराबर होता नहीं है। मैं तैयारी बहुत अच्छी करता हूं, अच्छे स्लाइड्स तैयार करता हूं, अच्छी प्रिपरेशन करता हूं, अच्छा पढ़ लेता हूं, सब कुछ अच्छा करता हूं, मगर जब मैं प्रेजेंट करने की नौबत आती है तो बराबर होता नहीं, या प्रैक्टिकल में मैं समझो जाता हूं तो प्रैक्टिकल में बराबर दे नहीं सकता, या वायवा होता है तो मैं वायवा दे सकता नहीं बराबर। तो ये कैसा करना चाहिए, मुझ में कुछ तो भी कमी है ऐसा मुझे लगता है, मुझे भगवान की देन नहीं है ठीक, मुझे मेरा नशीब जो है ना वो ठीक नहीं है ऐसा लोगों को लगता है, अपने में कुछ तो भी कमी है ऐसा लोगों को लगता है, मगर ऐसा एक्चुअली नहीं है। देखिए, कुछ लोग ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन रहती नहीं है तभी बहुत अच्छा इंप्रेशन मार डालते, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन करते हो, ऐसा लगता है कि बहुत नॉलेजेबल आदमी है, ऐसा फ्लावरी फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे और प्रेजेंटेशन ऐसा करेंगे, कॉन्फिडेंटली बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि बाप रे बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत विद्वान आदमी है, बहुत मालूम है उसको, ऐसा लगता है। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम रहता है और तभी भी वो प्रेजेंटेशन में बहुत पुअर हो जाते हैं। तो ये जो लोग हैं कि नहीं मेरे में कुछ तो भी कमी है, देर इज समथिंग रॉन्ग हियर, यहाँ कुछ तो भी रॉन्ग है ऐसा लोगों को लगता है और उससे फिर और वो दब जाते हैं, उनका सेल्फ एक्सप्रेशन और दब जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्या है कि कोई भी चीज है वो आपको यदि अच्छी करना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप समझो कार का एग्जांपल लो, आपको कार आती नहीं है तो आप धीरे धीरे जब कार सीखेंगे, भले आपके पास में कार ड्राइविंग का लाइसेंस भी होगा, तभी भी हो सकता है कि आप बहुत भीड़ में कार नहीं चला सकोगे, क्यों, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसा बोला जाता है कि 50,000 किलोमीटर कार चलाई एखादे व्यक्ति ने तो अच्छी उसकी प्रैक्टिस हो गई और अच्छा ड्राइवर हो, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे ही प्रेजेंटेशन का है, अपने आप को प्रेजेंट करना है वायवा में, प्रैक्टिकल में, या चार लोग हैं उनके सामने अपना बोलना सामने रखने का है, अपना पॉइंट रखने का है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको लगेगी। ये लोगों ने क्या है कि बोलने की प्रैक्टिस की रहती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रहती है, और इसलिए वो काम, इसलिए उनका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। देखो, कोई भी स्किल जो है, कोई भी स्किल, आप कोई भी स्किल का नाम एक स्किल ऐसा बताओ कि वो आपको बाय बर्थ है करके, ऐसा कोई नहीं। जो भी स्किलफुल लोग आपको दिखते हैं ना, उन्होंने स्किल वो अक्वायर किया हुआ है, कोई बाय बर्थ नहीं होता। बाय बर्थ सभी का जो ब्रेन है भेजा है वो सब शरीर का होता है, बाद में क्या होता है कि उसको जैसा जैसा खाद मिलता है खाने के लिए वैसा वैसा वो डेवलप हो जाता है। किसका मैथमेटिक्स बहुत डेवलप हो जाएगा, किसका ड्राइंग अच्छा डेवलप हो जाएगा, किसका क्रिएटिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि बहुत जबरदस्त, किसका आवाज़ है वो अच्छा हो जाएगा तो वो गायक बन, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ वो डेवलप बाद में धीरे धीरे होते रहता है। बच्चों को थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है, बच्चों को एक्नॉलेजमेंट मिलता है, उसको वाहवा मिलती है, उसको अच्छा लगता है, फिर वो और उसमें डालता है टाइम, फिर और अच्छा लगता है, फिर और टाइम डालता है, उससे स्किल डेवलप होता है और अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। आप देखो कि कोई भी व्यक्ति है वो समझो भाषण भी दे रहा है, तो पहला भाषण और 101वां भाषण डेफिनेटली फर्क रहेगा। पहला भाषण एकदम रॉ रहेगा और वही भाषण यदि वो 101 बार दिया हुआ है, 100 बार दिया और 101 बार उसका भाषण चालू है तो डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसका मतलब ये क्या है कि आपको स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। कोई बाय बर्थ स्किलफुल रहता नहीं है, स्किल प्रैक्टिस से आते हैं, स्किल नॉलेज से आते हैं। आप नॉलेज पहले अक्वायर करो, जो आपको बातचीत करनी है उसका इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उसकी बोलने की प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छे अच्छे स्पीकर जो है, अच्छे अच्छे स्पीकर वो भी बोलते हैं कि कोई भी हमारा भाषण रहा तो उसकी हम तैयारी करते हैं, पहले 3 रीटेक करेंगे, 3 बार घर में प्रैक्टिस करेंगे, आईने के सामने प्रैक्टिस करेंगे और बाद में जाके भाषण करेंगे, बाद में जाके प्रेजेंटेशन करेंगे। शुरू शुरू में ऐसे ही करना पड़ता है, एक बार प्रैक्टिस हो गई, 50-100 बार एक बार वही भाषण देते रहे तो जैसा पॉलिटिकल लीडर है, बार बार वही बोलते रहते, बार बार वही बोलते रहते, हर जगह पे बोलते रहते हैं, उनको क्या प्रैक्टिस रहती है। दिन भर में 5-10 बार भाषण कर लिया अलग जगह पे तो उनका काम हो जाता है, बाद में उनकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। देखो ना, बहुत बार ऐसा होता है कि एक आधा नया आमदार बन जाता है जो कभी पॉलिटिक्स में था ही नहीं, अचानक से आमदार बन गया, उसको मालूम ही नहीं भाषण कैसे देना, उसका भाषण आप सुन लो कुछ भाषण करती नहीं आएगा, मगर धीरे 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 जैसा वो पब्लिक में जाता है, फिर लोगों से मिलता है, फिर लोग बोलते भाषण करो कुछ तो भी तो बोलो, बोलते बोलते 1-2 साल में बहुत अच्छा स्पीकर बन जाता है। तो स्किल्स डेवलप करो, स्किल्स डेवलप करेंगे तो आप कहीं भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।